और ज्ञानवापी में शिवलिंग के मिलने के बाद दावे किए जा रहे हैं। इन दावों की छाया में कुछ लोग उल जलूल टिप्पणियां भी कर रहे हैं। कई लोग आपत्तिजनक बातें भी लिख रहे हैं और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है। यूपी से लेकर गुजरात तक ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो रही है। और इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शिवलिंग के मिलने पर इशारों में कहा कि हिंदू धर्म में पीपल के नीचे पत्थर भी रख दो तो वह मंदिर बन जाता है। और अखिलेश ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा सामने लेकर आई। हमारे धर्म में तो यह है, हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। मंदिर बनाने की प्रक्रिया बताते अखिलेश यादव ने ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने पर डायरेक्ट टिप्पणी नहीं की, जो भी कहा वो सब कुछ अप्रत्यक्ष है। अयोध्या में थे अखिलेश यादव, मीडिया से बात कर रहे थे, पत्रकार कुरेदते रहे, ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने पर अखिलेश से सवाल पूछते रहे। अखिलेश ने बस इशारा भर ही किया, इशारा इस बात का कि शिवलिंग मिलने पर वो क्या सोचते हैं। हमारे धर्म में तो ये है, हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। मीडिया से इस चर्चा के दौरान जब बात आगे बढ़ी तो अखिलेश ने अपने मन की बात बताई, कहा ज्ञानवापी का मुद्दा बीजेपी की साजिश है ताकि इन मुद्दों की वजह से असली मुद्दे छिप जाएं। बीजेपी से सावधान रहिए, बीजेपी जानबूझ करके ज्ञानवापी मस्जिद का मामला इसलिए उठा रहे हैं, वो स्मोक स्क्रीन बना दी उन्होंने कि आप असली मुद्दे दिखाई नहीं दो, बड़ी बड़ी कंपनियां बिक गई, हमें और आपको पता ही नहीं लगा, हम और आप उस बहस में हैं। विदेश जाना था गेहूं, किस उद्योगपति के सारे पर रोक दिया कि जाइए विदेश ले जाओ गेहूं, आपने हमने सबने पढ़ा कि गेहूं विदेश नहीं जा सकता, लेकिन आपने और हमने ये नहीं पढ़ा कि विदेश जा सकता है गेहूं। हमने आपने ये जाना ही नहीं कि कब बैंक किसको बिक गई, बैंक मर्ज हो गई। तो जो बड़े बड़े घोटाले हैं, बड़े बड़े जो बीजेपी साजिश रच रही है, उससे ध्यान हटाने के लिए जानबूझ करके इस तरह के मुद्दे उठा रहे। हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी से शिवलिंग मिला, जबकि मुस्लिम पक्ष उसे फव्वारा कह रहा है। दोनों के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन इन तर्कों के आगे कुतर्क भी हैं और आपत्तिजनक टिप्पणियां भी हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से धार्मिक आस्थाओं पर चोट पहुंचाने वाली खबरें भी आई। ये हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रतननाथ। ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद सोशल मीडिया पर इन्होंने एक पोस्ट किया। वो पोस्ट इतना अभद्र था कि सोशल मीडिया पर रतनलाल का विरोध होने लगा। बाद में उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत की गई। पुलिस ने धारा 153A यानी किसी धर्म या समुदाय को लेकर ऐसा एक्शन या टिप्पणी जिससे अशांति फैलने का खतरा हो और धारा 295A यानी धार्मिक भावना को आहत करना के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। जो आपने ट्वीट किया उस बात पर आप कायम हैं? तो मैंने कहा कि मैंने विड्रॉ कर लिया, मेरे ऊपर FIR जब दर्ज हो गया तो अब आप न्याय नहीं करेंगे, अब मॉब न्याय नहीं करेगी, ये अदालत का काम है, अदालत का काम है। जब हमें थाने में बुलाया जाएगा हम जाएंगे, उनको कोऑपरेट करेंगे। अहमदाबाद पुलिस की गाड़ी में बैठने वाला ये शख्स ओवैसी की पार्टी AIMIM का प्रवक्ता है, नाम है दानिश कुरैशी। ओवैसी की पार्टी से जुड़े हैं तो जाहिर है भड़काऊ भाषण देने में माहिर होंगे। दानिश कुरैशी ने वही किया। ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग को लेकर सोशल मीडिया पर बेहद ही आपत्तिजनक पोस्ट कर डाली। विश्व हिंदू परिषद के एक सदस्य ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी, जिसके बाद अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच ने ओवैसी के इस भड़काऊ भाईजान को गिरफ्तार कर लिया। ज्ञानवापी से मिले कथित शिवलिंग को लेकर एक और विवादित टिप्पणी पर यूपी के मेरठ से भी गिरफ्तारी हुई है। मेरठ की मवाना तहसील से शिवलिंग को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल की गई। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट नक्साब हैदर नाम के शख्स ने किया था। पोस्ट से गुस्साए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नक्साब के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने धार्मिक भावना भड़काने के आरोप में नक्साब को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
थाना क्षेत्र मवाना में नकसाब हैदर नाम के एक व्यक्ति के द्वारा अपने फेसबुक पोस्ट में एक फोटो डाला गया और एक आपत्तिजनक लाइन पोस्ट की गई, जिसके लिए एक तहरीर प्राप्त हुई थाने पर, जिस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और नकसाब हैदर को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। इस बीच मेरठ में एक और आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। इस बार नौशाद नाम के शख्स ने कथित शिवलिंग को लेकर अभद्र टिप्पणी की। ये पोस्ट भी तेजी से सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी, जिस पर हिंदू संगठन ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी नौशाद की तलाश की जा रही है। ज्ञानवापी में सर्वे को लेकर वाराणसी कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन कोर्ट के बाहर भड़काऊ बयानों की भरमार है, जिससे दोनों समुदायों में दुर्भावना फैलाने की कोशिशें हो रही हैं। हालांकि आरोपियों के खिलाफ पुलिस के एक्शन से उम्मीद है कि ऐसी कोशिशों पर लगाम लगेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।